हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। दुनिया भर में जहां भी लोग मजाक रात के इंतजार में हैं, उन सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं कैसा लग रहा हूं? आज तो जी माशाल्लाह पाकिस्तानी मगैम्बो लग रहे हैं जी। नहीं, फाइव स्टार होटल के शेफ लग रहे हैं सर। ना यार सच्ची बातें ना कर, अल्लाह और सारा दिन साग ही पकाउंदे ने। आज तो आप जादूगर लग रहे हैं, उठ के साडा पखा ते साफ करना जरा। आप बताइए उदास साहब, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। छोड़ो इन्हां दी गल ही ना करो, होर किसे दी करो। इना आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। माशाल्लाह भी कह देते हैं कभी? माशाल्लाह तो मैं कह देता पर मैं तेनों मेकअप तो बगैर वेख्या ना। मेकअप के बगैर भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, और बहुत खूबसूरत हूँ। आप ही ना। अल्लाह का शुक्र है मेकअप इजाद हो गया। अच्छा, चप्पड़ में गई भैंस और पार्लर में गई लड़की बहुत देर से बाहर आती। माशाल्लाह मेरी बीवी मेकअप करके मेरे सामने आई, कहंदी मेरा मेकअप कैसा लगता है? मैं कहा जान तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं। कहंदी अच्छा तो? मैं कहा तेनू प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। बड़े अफसोस की बात है और ये कह आप रहे हैं। मेकअप करे या ना करे उदास बर्दाश्त नहीं होता। सर साइंस ने दसिया कि कुड़ी जदों मेकअप तो बगैर होंदी है ना 2 किलो वजन घट होंदा, ते बंदा जदों बालां दे बगैर होंदा नहीं। फिर बताना शुरू करते हैं अपने आज के मेहमानों को। हमारे पास आई हुई है फिल्म केक की कास्ट जो कि 30 को रिलीज होने जा रही है और उस कास्ट से पहली मेंबर हमारे पास जो आएंगी वो हैं एक जबरदस्त एक्ट्रेस और आपकी बहुत ही फेवरेट मोहतरमा आमना शेख। केक की एक हीरोइन आ चुकी हुई हैं तो केक के हीरो को भी बुलाना चाहिए है। बड़े ही जबरदस्त एक्टर आप लोगों को बहुत पसंद हैं, आप सबकी तालियों में जनाब अदनान मलिक। और जो दूसरी हीरोइन इस फिल्म की हैं वो भी एक कमाल की एक्ट्रेस हैं, आप सबकी तालियों में मोहतरमा सनम सईद। आज के मेहमानों के लिए एक खसूसी गिफ्ट लाया हूँ, जरा मुश्किल से समझ में आएगा। जी जी। नजर बचा के नहीं सर उठा के देख इधर, नजर बचा के नहीं सर उठा के देख इधर, उधर नहीं है मेहमान तू देखता है जिधर, जमी के हैं सितारे आसमां के नहीं, उधर नहीं है इधर है जिधर है मेरी नजर। ये कमाल शेर जो के इधर उधर होता हुआ इधर आया। मैं तो सनम जी के लिए शेर। सनम के लिए शेर आपने? जी सर। अगर तुम नजर ना आओ तो धड़कने आहें भरती हैं। अरे वाह, भरती हैं। अगर तुम नजर ना आओ तो धड़कने आहें भरती हैं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना लड़कियां वाईफाई से करती हैं। देखिए कैसा उन्होंने जज्बात और टेक्नोलॉजी का मिलाप करके आपको दिखाया। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल आमना और सनम तो पहले भी शो में आ चुकी हुई हैं, इसलिए उनको अंदाजा है कि यहाँ पे क्या होता है। अदनान मलिक ये पहली बार है तो अदनान आपको अंदाजा है या इन्होंने कुछ बताया आपको? बहुत कम बताया वैसे। चिट्टे कपड़े पाए फिल्म जो तुसी कवाल दा रोल कीता मगर वैसे इन्होंने आपको बताया है कुछ?
हाँ लेकिन इनको प्रेप की जरूरत नहीं है. क्या मतलब हल्का ना ले इनको. अच्छा हल नहीं, मैं तो बिल्कुल लूंगा नहीं, ये तो इनका इनके साथ है इनका. मैं तो एक सिंपल सवाल करने वाला आदमी हूँ. मगर वैसे एक चीज मुझे जो इंटरेस्टिंग बड़ी लगी कि आप में से एक न्यूयॉर्क में, एक लंदन में पैदा हुए और एक इस्लामाबाद में. तो न्यूयॉर्क वाले जो है वो कौन है? हम तो नहीं बता रहे, आप बताएंगे. मैं बताऊँ? अच्छा मेरे से ज्यादा वैसे अगर लोग बताए तो ज्यादा बेहतर रहेगा. आपको इनमें से न्यूयॉर्क वाले कौन लगते हैं? न्यूयॉर्क वाले सनम न्यूयॉर्क में पैदा. अच्छा ये एक तो सनम, क्या आप न्यूयॉर्क में पैदा हुई हैं? हम तो नहीं बता रहे, बढ़ते जाएं पहले. अच्छा लंदन में कौन लगता है कि पैदा हुआ है? अच्छा इस्लामाबाद में कौन लगता है पैदा हुआ है? क्यों भाई अदनान, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी शक्ल आपकी है. माशाल्लाह अच्छी बात है. इससे हमें पता चला. मगर लोग कहते हैं सबसे बड़ा बर्गर मैं हूं, तो अच्छी बात. आप लंदन में नहीं, आप लंडे में पैदा हुए. लंदन में इस्लामाबाद वाला पैदा हुई है न्यूयॉर्क के अंदर और आप पैदा हुए हैं, आप पैदा हुई हैं लंदन के अंदर और आप इस्लामाबाद में पैदा हुए. यार ये बड़ी एक जबरदस्त, कितनी कितनी दूर पैदा हुए, सोचने वाली गल, इकट्ठे कितने हो गए. ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों हमें मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के लोग यहाँ पे इस वक्त नजर आ रहे हैं. तो कैसा लगता है आप में सबसे कौन जो है प्राउड फील करता है? बेसिकली वो इस बात पे ये याद आता ना, मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी पहने, फिर भी दिल है पाकिस्तानी. जहाँ से भी है दिल है पाकिस्तानी, दिल है पाकिस्तानी, काम है पाकिस्तानी. आखिर में तो आपको वो सब्ज वाला आईडी कार्ड और पासपोर्ट ही काम आ रहा है. बिल्कुल. लेकिन मैं आपको बताऊँ कौन सबसे ज्यादा प्राउड है टू बी अ पाकिस्तानी. अभी हम इस्लामाबाद से ही होते हुए आए हैं, पूरा रोड ट्रिप करके यहाँ सीधा मजाक रात के सेट पे. और इस्लामाबाद क्योंकि अदनान का होम टाउन है, थ्रू आउट इन्होंने हमें एहसास दिलाया कि कितनी खूबसूरत जगह है. वो जर्रे जर्रे से वाकिफ है इस्लामाबाद के. अखबार सुटते रहे हैं ना. वैसे मुझे बताइए ये केक जो है, बहुत से लोगों ने आपसे सवाल पूछा कि केक का नाम केक क्यों है? केक हर जबान में केक है. फिल्म की टिकट जड़ी है, बेकरी तो मिलेगी. बेकरी तो भी मिलेगी, सिनेमा से ही मिलेगी टिकट. अपनी फिल्म तुसी बिल्ली लागे नहीं रखनी, उन्हें खा जानी है. सर्दियां च लाना, गर्मियां च मक्खियां बहुत आनियां फिल्म. खाला लोग मक्खियों की तरह केक की तरफ आएंगे. ओए होए होए. और केक इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह फैमिली बाहर से कुछ और लगती है और अंदर कुछ और होती है, हर इंसान भी बाहर से कुछ और है, अंदर से उसके लेयर्स हैं बहुत सारे. इसी तरह केक भी उससे मुशाबत दी है कि बाहर से यानी कि जो बाहर से नजर आ रहा है वो अंदर से कुछ और, अंदर से ना हो, अंदर से ना हो. प्याज की तरह केक के बहुत लेयर्स होते हैं, जिस तरह इंसान के पर्सनालिटी में या रिश्तों में, तो केक के भी बहुत लेयर्स होते हैं. तो ये भी एक मेटाफोर था कि केक. अच्छा तो ये इस फिल्म के अंदर भी बहुत से लेयर्स हैं. तो आपने कितनी लेयर्स पहनी है इसमें? दान इसमें काफी लेयर्स काफी लेयर्स. ये दोनों बड़ा एक, मैंने जब देखा तो दो खवातीन और बड़ी एक जिसे कहते हैं जबरदस्त किस्म की एक्ट्रेसेस हैं ये दोनों. तो उनके साथ एक्टिंग करके कैसा लगा? जैसे फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं इनके साथ एक्टिंग? नहीं नहीं, सनम के साथ पहले की हुई है, आमना के साथ एक्चुअली मैंने इनको डायरेक्ट किया हुआ है पहले. तो काफी, मगर एज एन एक्टर तो आप पहली बार थे ना डायरेक्टर? एज एन एक्टर पहली बार. हमने होस्ट एक साथ किया था एक सेगमेंट किसी शो और फिल्म पहली बार इकट्ठे कर रहे हैं. फिल्म पहली बार इकट्ठे कर रहे हैं और मतलब इनकी क्या बात है, वाकई मतलब पाकिस्तान की फाइनेस्ट एक्टर्स. आपकी पहली फिल्म है ये? जी. और ये दोनों तो एक्सपीरियंस खवातीन आपके साथ तीन तीन चार चार फिल्में करके बैठी हुई हैं, तो कोई इन्होंने जरा कहीं भार रखा इस बात का कि बेटे पहली फिल्म है जरा आराम से? कसम से हम उतना ही घबराए हुए थे जितना ये, क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसा था, रिहर्सल चाहिए थे और एक दूसरे के साथ हमने थेरेपी सेशंस भी बड़े किए. वैसे तो बहुत रिलेटेबल स्टोरी है और हर घर की कहानी है एक किस्म की, लेकिन उसमें लेयर्स, जैसे कि हमने कहा केक की हैं, लेयर्स इतनी सारी हैं कि हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना था करते हुए. जिस तरह कहते हैं ना कि एक नो मेकअप लुक के लिए आपको ज्यादा मेकअप चाहिए, तो एक बिल्कुल नेचुरल एफर्टलेस परफॉर्मेंस के लिए आपको बहुत तैयारी चाहिए. तो ये आप, सॉरी आपने बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि नो मेकअप जो लुक होती है उसके लिए ज्यादा मेकअप चाहिए होता है. आपकी सोच है. तो ये यानी कि आप बताना चाह रही हैं कि जो साहब हैं इनकी ज्यादा इस वक्त मेहनत हुई हुई है? इन्हें तो मेकअप की ट्राली लग जानी है जी, पूरा मेकअप चाहिए और तुसी बाल्टी च करना है. यार पहले एक्टर किडे किडे जवान होंदे. हां जी आजकल वे लगदा बच्चे घरों खेडण आए. ओए होए ये तो बड़ा आपको कॉम्प्लीमेंट मिला कि यंग सारे बच्चे लग रहे हैं ये. वैसे हाइट कितनी माशाल्लाह भाई आपकी? 6'2" 6'2" और आप दोनों की कितनी कितनी है? मैं तो एंड में आती हूं लास्ट में. अच्छा सनम आपकी कितनी हाइट? 5'9" 5'9" आप? 5'4" वैसे मुझे ये बताएं कि आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी के अंदर ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि ये फिल्म के अंदर भी माशाल्लाह 6'2" का हीरो, घर के अंदर जो है वो कुछ 6'3" का आपका जो बिल्कुल, मुझे लगता है मेरी जो छोटी है वो भी
पहुंच जाएगी वहां तक। तो ये वैसे आपको तो कांस्टेंट आदत होगी होगी ऐसे बात करने की। मेरे अब्बा 6'1" है माशाल्लाह, और भाई भी 6'1" 6'2" ना। आपको जरा मतलब अब्बू 6'1" शौहर 6'3" हीरो 6'2" को थोड़ा सा तो कुछ करें आप। बस अल्लाह ने कहा कि आई एम श्योर कहीं ना कहीं से निकल आएगी, लेकिन मुझे शायद इन लोगों की जिंदगी में इसलिए प्लेस किया गया क्योंकि मैं उनको ग्राउंड करती हूं। ग्राउंड करती और ये भी नीचे देखें। हां ये भी नीचे देखें काम। करप्शन के स्कैंडल कम ना होंगे अगर जेलों में ये मुजरिम ना होंगे। कब्जा माफिया का ऑपरेशन तो फिर ये शहर में हंगम ना होंगे। के खतरे में रहेगी डेमोक्रेसी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। ये तेनू इन्ना बड़ा है। बड़ी मेहरबानी। बस बस थोड़ा जा मैनू और दे। बस इन्ना बड़ा तेनू। मैं तेनू पैक करता तू अपने घर ले जा। वेलकम बैक टू मज़ाक रात। अदनान ये बताएं, आपका जो इमेज है वो बड़ा एक, आपका जो फैन क्लब भी है वो बड़ा एक होता है कि जी अदनान मलिक जो है वो द टॉल डार्क हैंडसम बंदा, तो ये आपको इस वजह से कास्ट किया गया इस फिल्म में? एक्चुअली जो आसिम अब्बासी जो डायरेक्टर है उन्होंने लिखते हुए मेरा सोचा था, मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने लिखते ही सोचा था कि ये रोल ये मुंडा खराब करेगा। फिर बिल्कुल डिफरेंट किस्म का रोल है, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे ये समझ भी नहीं आ रही थी कि आसिम मुझे क्यों कास्ट करना चाह रहा है। लेकिन उनकी जो एक उनका यकीन था कि यार तुम इसी में फिट आओगे, बल्कि उनके प्रोड्यूसर्स कह रहे थे ना डालो, अभी पता चलेगा क्या होगा। अच्छा, लेकिन एंड में उन्होंने डाला और बड़ा ही डिफरेंट किस्म का। वो किसको डलवाना चाह रहे हैं? बस गया सी। नहीं मैं तो आपकी बात सिर्फ को आगे बढ़ा रहा हूं। बहुत से और एक्ट्रेसेस हैं जो बड़ा अच्छा काम है, बहुत ज्यादा काम कर रही है। ज्यादा काम कौन से एक्ट्रेस कर रहे हैं? तो वो चाहते थे, आप बताते जाइए। वो चाहते थे कि पॉपुलैरिटी और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और फेसबुक फॉलोअर्स ज्यादा हो तो शायद फिल्म ज्यादा बिके। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 10-12 लाख से ऊपर वाले जिनके फॉलोवर्स हों तो वो तो मेरे ख्याल से 3-4 लोग होंगे शायद। मेरे ख्याल से फवाद खान होंगे, माहिरा खान है, मावरा हुसैन है, उर्वा हुसैन है, ये लोग हैं जिनके आई थिंक आतिफ असलम के होंगे जो 20-20 लाख पे पहुंचे हुए हैं। तो ये इन लोगों को चाह रहे थे फिल्मों में रखना और भी नाम ये सब। हाँ आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं तो पूछना चाहता हूँ, आप बताना नहीं चाह रहे। बस ये था कि अदनान वो चाह रहे थे कि कोई और हीरो हो, टिपिकल कोई हीरो जिन्हें लोग देख चुके हैं पहले से। आई थिंक हीरोइंस को जैसा कि शान फहद मुस्तफा, फवाद मिकाल, शायद मिकाल तो है हमारे फिल्म में, मिकाल ने भी अच्छा काम किया। लेकिन देखिए जो वो ये चाह रहे हैं ना कि जितनी ज्यादा फॉलोइंग होगी उनको लगता है इतने ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन ये हकीकत भी नहीं रही। लेकिन हमने 3-4 फिल्में जो भी देखी हैं उसमें ऐसा नहीं हुआ, तो यकीनन ये कोई फॉर्मूला नहीं है। सोशल मीडिया फॉलोअर्स अगर आपके हो लाखों के अंदर तो दैट डजंट मीन कि वो फिल्म देख रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता। लेकिन सर हमारी दुआ कि आपका केक मीठा ही जाए इंशाल्लाह। शक्कर तो पाया, शक्कर पाया के तो हीरो भी अच्छा पा लेंगे। आप आना चाहेंगे हीरो उसके अंदर? मैं जी जी हूँ, केक बन गई हूँ तो मैं मरूंडे जी आवांगा जी। मैंने केक फिल्म बन ली तो केक बनाना है। अच्छा जी मैं बना लिया, खराब हो गया। वैसे आपको पता है ये भी फिल्म में काम कर रहे हैं? अच्छा इनकी भी फिल्म आ रही है इस साल। क्या नाम है? बताइए सर भी फिल्म के बारे में। तुसी दस दो, तुसी थत्थे जे। नहीं काम आपने किया है ना, पता नहीं होता सीन होना लाने भी कि नहीं लाने। नहीं मगर असल में ये काम कर रहे हैं आप बताएं ना प्लीज। लोड बेडिंग आपने सुना होगा, इंशाल्लाह उसमें बड़ा अच्छा एक पार्ट है। देखें जब निकलेगी ना तो आप यहाँ होंगे हम वहाँ होंगे। लेकिन सर मैं वेख्या कि फिल्मां च जिहड़ा बंदा काम करदा है डायरेक्टर होवे एक्टर होवे तो फिल्मों के बीच क्यों डिस्कस करता रहता हर वक्त कोई भी घर की गल हो? मतलब साढ़े एक डायरेक्टर सर पंजाबी के पुराने, उन्होंने आदत सन इस तरह कि हर गल उन्होंने इन्होंने फिल्मों के ही करनी अंदाज। मसलन कि अपने दोस्त मिलन गए ने, दोस्त मिले नहीं तो बीवी ने मुखातब होए ने, बीवी ने जो सवाल किए उन्होंने फिल्मों के नाम ले उन्होंने दरवाजा कड़ाया टक टक टक, बुढ़ी कहती कौन है? बंदे का पुत्र। तेरा नाम की इश्क मेरा नाम, वे तेरे प्यो का नाम हड हराम, वे तेरे ताए का नाम नमक हराम, वे तेरे चाचे का नाम बेईमान, वे तेरे दादे का नाम वैसी जट, वे तेरी बुढ़ी का नाम यके वाली, वे तेरे पुत्र का नाम शेर खां, वे तेरे सोहरे का नाम ठगां दा ठग, वे तेरे जवाई क्यों पिंड दे चौधरी, वे तू लैण की है शगनां दी मेहंदी, वे देना की दिलां दे सौदे, वे बाहर की रहा लाठी चार्ज, वे कीता की जट दा खड़ा, वे तेरे सामने की अग दा दरिया, वे तेरे पिछे की काला पानी, वे तेरे उत्ते की चढ़दा सूरज, वे तेरे थले की इश्क समंदर, वे देना की भाभी दियां चूड़ियां, वे तेनू फिल्मां किहड़ियां पसंद ने? अमीर खान लगा नाचा ना नौकर उठ दिया खुशी आज जीरा बले कर जो।
John, baby. Good, how are you? Hey, I don't do. How are you doing, somebody baby? Somebody told me that the Cake movie cast is here today. Yes. I have a lot of best wishes for him. Oh, you know about it? Oh, yes, for especially for you. Because you are my grai. Grai? Yes, she's from United States. Oh, acha, United States? So that's why I brought a cake for you. Hi, thank you. I'm the so real much. Fan of you. This Sanam Saeed? This Sanam Saeed, yes. My goodness, you have a lot of expression on your face. Oi, oi, oi. You can work a Hollywood film also. I don't understand English. You don't understand me. I'm a big fan. Because today, jinne me kirdar aaye ne, kirdar. Oh, de vich tusi har wari different in nazar aaye ho. Main tode vaste, I brought a cake for you. Shukriya. Te main cake leke aana. Yaar, kamal kar diya. Yes. Tumne. Main saare do din mangeya lokan kolon te paise ikatthe kite ne te cake leanda. So sweet, yaar. Thank you very much. Badi hit film ho gayi aaj tadi te. Nahi, magar badi baat hai. Mera ye favorite cake hai. Wow. Arre, kamal kar diya. Tusi bismillah karni. Main hi kaat. Yes, because you are the captain of ship. नहीं मगर यार अब केक मैं काटूं अच्छा नहीं लगता वो जिनकी फिल्म है वो चलो ते वजन मेरे उत्ते बहुत है ना तो इसको गिटार को उतारो ना तो इतने विचो में नुकड़ दो इतने विच मैं बड़ी मुश्किल भरिया पहले भी I can imagine yes किधर को लो ladies first आप भाई जन इधर इधर मेरे पास भूखे ना मैं नहीं देना यार अब यार मेरी बात तो सुने please थोड़ा सा जरा आज दिन मैं तो अनुमी इन्हें पहले थोड़ा थोड़ा दे दिया ये तो फारग हूँ देखो good luck के लिए बड़ा जरूरी है it's good luck for you थोड़ा थोड़ा देना हाँ थोड़ा थोड़ा ये इतनो इन्ना बड़ा बड़ी मेहरबानी बस बस थोड़ा जब नोर देने बस इन्ना बड़ा देने अब मैं तेरे को पैक करता तू अपने कार ले जा जिसको मंगते हैं कोल खांदे नहीं तो शर्म ही नहीं आंधी ओ सी असली केक बेखांग लाया तो थोड़ा जाओ थोड़ा जाओ और बस ओए हो बड़ा मजेदार क्या बात है यार इन्ना थोड़ा थोड़ा जाओ यार जितने बाकियाँ नूकी देना है इस तो सिर्फ मॉल ले आ गया हो गया हाँ जी थोड़ा थोड़ा जाओ तारा के कि तू थोड़ा थोड़ा करते जा रहे सारा ये देखो ना की क्या दिखता है यार इसलिए सेलेब्रिटीज़ होना सेलेब्रिटीज़ हाँ मुझे नहीं सेलेब्रिटीज़ ये हैं ओ एक ओन वैसे मुझे एक बात बताएं आप तीनों को देख के लगता तो नहीं क्योंकि ज्यादा खाता होगा लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा शौकीन कौन है खाने का माशाल्लाह से हाँ। सबकी एपेटाइट सब की एपेटाइट आप तो ना ही बात करें नहीं क्या वाकई हम बहुत खाते हैं मतलब नहीं आप तो आमना मैं तो फुल पंजाबी एपेटाइट है मगर वो कहां पे अदनान ने सबसे पहले मुझे देखा मगर नहीं आप तो माशाल्लाह लगता ही नहीं कहीं से कि आप खाती हैं ये तो लगता तुसी टिश्यू तल के खांदे नहीं मगर नहीं सीरियसली आपको देख के तो नहीं लगता ना आप लोग खुद बताएं मैं अगर आपको लग रहा हो कि झूठ बोल रहा हूँ कि लगता है कि आमना खाती हैं लगता है कि आमना खाती है हवा के अलावा कुछ भी तीनों बहुत शौकीन है तो केक क्या है? आपके सेट पे मुफ्त मिलता था खाने को ओहो ऐसा वैसा हर जगह जहाँ जिथे जाओ केक जिथे जाओ केक पेमेंट तो मिली नहीं केक ही मिले आज हकीकत हो आप कैसी बातें कर रहे हैं नहीं 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 वो कट कर देंगे अच्छा पहले ही प्रोड्यूसर आपको लेने के हक में नहीं थे और आप ऊपर से इस तरह की बातें कर रहे हैं अदनान हंस हंस के गाल में दर्द हो रहा है मैंने से पूछा आने से पहले कि इधर क्या क्या होता है क्या करना है उसने कहा बस चुप रहना ये आपने ये कह नहीं मैंने कहा पंजाबी में वापस दो सबको दोनों पंजाबी स्पीक किए मैंने कहा जो आपको मिलेगा आप जवाब पंजाबी में दो फुल इनको शौक पंजाबी कम थोड़ी जी पोटोहारी ज्यादा चलो वैसे आप तो खुद भी आपने बड़ा पाकिस्तानी सिनेमा देखा ही बहुत हुआ है नॉट रॉन्ग दानी जो भी फिल्मों के नाम भी ले रहे थे आधे मुझे आते थे आधे आपको आते थे ना मुझे यकीन था कि इनको पता होगा तो वैसे कैसा लगता है कि सारी जिंदगी आप खुद फिल्में देखते रहे ये वाली एंड नाउ यू आर पार्ट ऑफ द सेम इंडस्ट्री बड़ी खुशी होती है बड़ा बदला भी है काफी सालों में आप देख रहे हैं आप उसका बहुत बड़ा हिस्सा है और आपने काफी चीजें चेंज करवाई हैं पाकिस्तानी सिनेमा में मैंने मैं इलेक्ट्रिशियन हूं मैंने आके मशीनें चेंज करवाई हैं नहीं यार आप बड़े वही वाले बड़ी बड़ी फखर की बात है मैं जब 2003 में आया था मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी पाकिस्तानी सिनेमा में उस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा था आपसे भी बात हुई थी उस वक्त लेकिन अब जाके आप देख रहे हैं मतलब फिल्में निकल रही हैं 8-9 अच्छी फिल्में निकल रही हैं इस साल इंशाल्लाह 2018 मेरे हिसाब से पाकिस्तानी सिनेमा का सबसे अच्छा साल होगा एक और पिछले कोई 40 साल बाद अच्छा एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को बता चलूँ कि ये तीनों लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं
इन तीनों की डिग्रीज जो हैं वो फिल्म रिलेटेड हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और प्रॉपर एजुकेशन लेके आप तीनों, आपने भी फिल्म एंड टेलीविजन में किया हुआ है बैचलर्स, आपने भी फिल्म में पढ़ा हुआ है और आपने भी पढ़ा हुआ है, तो यानी कि आज से अगर 10-15 साल पहले, 10 साल पहले भी मैं कहूँ कि अगर हम ये बात करते थे कि लोग पढ़े लिखे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आते, तो आज आपके पास तीन ऐसे लोग बैठे हुए जिनके बैचलर्स ही फिल्म मेकिंग के अंदर है, और आज वो लोग फिल्मों के अंदर हैं, सिर्फ इस नहीं और बहुत सी फिल्मों के अंदर हैं, वो भाई फिल्में बनाते भी हैं, तो आई थिंक एट लास्ट किसी ना किसी मामले में तो तब्दीली आ ही गई है हमारे पास और कहीं आए ना आए हम यहाँ तो ले ही आए हैं, और ये बगैर किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के अलावा, जो कि हर वक्त एक बड़ा क्रिटिसिज्म होता रहता है गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, खैर गवर्नमेंट ने अब इनको पढ़ाना तो नहीं था, ये तो खुद ही पढ़ पढ़ के आ गए, ये इन लोगों की कन्विक्शन थी मेरे ख्याल से या शौक था जो ये फॉलो अप कर गए इस चीज़ को। मगर तीनों की अच्छी चीज़ ये भी है कि तीनों ड्रामों के अंदर भी बड़े एस्टैब्लिश नाम हैं आप तीनों, आप भी माशाल्लाह एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस बन चुकी हुई हैं, और एक आपका अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमेज है जो कि आपके फैंस के अंदर है, ये जिंदगी गुजार है के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल वुमन का इमेज दे चुकी हुई हैं, आप अपने अंदर एक पूरी ख्वातीन के ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के अलमबरदार हैं, और आप वैसे ही हसीन ख्वातीन के साथ काम करते हैं माशाल्लाह, आप तो वैसे ही समझ नहीं आती आप क्या कहते हैं मगर नहीं सदके तुम्हारे, आपका भी एक बड़ा जबरदस्त ड्रामा जो कि बहुत फेवरेट था आप लोगों का, तीनों हिट ड्रामों के लोग, तो ये हिट ड्रामा कैसे मिलता है मेरे भाई मुझे भी बताएं। टाइम पे आए, मेहनत से काम करें, फोकस से, फोकस पुलर से लेके स्पॉट बॉय से लेके अपने को एक्टर्स डायरेक्टर्स को इज्जत दें, उससे आपको बहुत इज्जत और सपोर्ट मिलती है, और वाकई काम उसी के सपोर्ट के साथ बेहतर होती है, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। आप बताएं अदनान मुझे तो बहुत पसंद आया, बड़ा एक बिल्कुल डिफरेंट लुक वाली फिल्म है, जो कि मुझे लगता है कि कम्प्लीटली पाकिस्तानीज वुड बी एक्सपोज टू टोटली न्यू थिंग एज फार एज उर्दू लैंग्वेज इज कंसर्न्ड, उर्दू लैंग्वेज में हमें इस तरह का सिनेमा नहीं देखने को मिलता, और आपको पता है उसमें सिंधी और सिंधी बैकड्रॉप भी है, व्हिच इज इवन बेटर, लेकिन फिल्म जो है वो यही की है, वो मतलब यही की जमीन की है, लेकिन उसकी फील इंटरनेशनल भी है, जो पाकिस्तान आज है मतलब वो यहाँ भी है और आपको हर जगह दुनिया में भी मिल रहा है, और उसकी चीज का जो मिलाप है वो इस फिल्म में, एक बहुत फर्क किस्म की फिल्म है जो कि आज तक पाकिस्तानी सिनेमा नए दौर में नहीं देखने को, इंशाल्लाह मैं अपनी सालगिरह देखूंगा आइए आइए लड़िवान लड़िवान 2 3 4 जानणी जणा के दिन, जानणी जणा के दिन, तागड़ी तागड़ी तागड़ी, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, आज बड़ा खुशी दा दिन है, पूछो क्यों, क्यों 6 दिन दी छुट्टी है मैंने, अच्छा हां साल दी मैं छुट्टी ने ना लई, ओ ओ फिर आज मंडिया जी साहब ने बुलाया, मैंने कहंदे ने यू हैव टू गो टू द 1 वीक बिकॉज यू आर सो वीक, यू कैन गो फॉर अ वीक, हां उन्होंने कहा इज्जत वास्ते जा किसी तफरी मकाम ते फिर टूर मौजा ले, लेकिन मैं पिछले 6 महीने च कोई फिल्म नहीं ना वेखी, ओ फिर मैं सारी फिल्मा वेखनिया, क्या बात है, आप पिछले 6 महीने च बड़ी केड़ी केड़ी फिल्म आई, केड़ी केड़ी, मैं तेरे को पूछ रहा, तू मेरे को पूछ रहा अल्लाह दे बंदे तुसी दसोगे तो मैं वेखांगा ना, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, हां चूंकि आजकल फिल्में बड़ियां जबरदस्त बन रही हैं, ए 2 सीटा मैं बुक कराई हैं, अच्छा हां तुसी मेरे नाल जाना, मैं क्यों जाऊं, तुम्हारी वजह तो मेरी भी थोड़ी जी रिस्पेक्ट रहेगी ना, आपकी वैसे भी है, नहीं नहीं वो तो एज ए पुलिस अफसर है ना, तुसी तो सेलिब्रिटीज हो ना, सेलिब्रिटीज, हां मुझे नहीं सेलिब्रिटीज ये हैं, ओ ए कौन ने ये चश्मा हटा लें, ओ लो दसो दसो आओ जेड़े मैडम ने ना जी आमना शेख साहब, हां शी इज माय फैन, शी इज योर फैन, नहीं एक ड्रामे से वे चुमान जा साहब ने भी फा पा दिया इन्होंने, ओहो फा पा दिया, मैं वो सीन कोई 150 बारी रिवर्स कर करके देखया, अच्छा फैन ना लाए ने भाई, इनकी फिल्म आ रही है, ए जेड़ा बंदा दरमियान च बैठा बड़ा लमका दे माशाल्लाह, इनो हीरो ही होना चाहिए, ये हीरो ही है, हां ते इना दा मुंह किवें नजर आएगा, स्क्रीन तो छोटी होंदी यार, माशाल्लाह इना दे कमर्शियल में बड़े देखे ने, ज्यादा कमर्शियल कर देने, अच्छा हाँ हाँ बड़े इवार शिवार भी इन्होंने लाए ना, बड़े जबरदस्त आदमी ने, ते काम की कर दें अभी तो तुमने खुद बताया इतना कुछ करते हैं, नहीं नहीं इन्हें नाल फिर मैं काम कर दें, हाँ अच्छा अच्छा माँ चल आ मैडम जी ने पट्टी की थी हुई है, एक आउट पट्टी नहीं की, पट्टी कहाँ की हुई है यार वो, अच्छा आ लपेटी नहीं है, अरे भाई वो फैशन है, साड़ी पाई हुई तो माशाल्लाह पूरे बिस्तर की चादर पाई है,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਬਚਾਣਾ ਬਚਾਣਾ ਬਚਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ, ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਭੇਜ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਲੈ ਜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਡਾਲੇ ਚ ਨਾ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਭਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝੀ ਡਾਲਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨਕੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਕ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ? 3 ਮਾਰਚ। 30 ਮਾਰਚ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਦੋਂ ਹੈ? 29 ਮਾਰਚ 29 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ, 30 ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਮਯਾਬ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਡਮ ਕੇ ਸਾਥ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਉਹ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਕੰਬਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਅਜੇ ਬਤਾਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ। ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਮੈਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਬਰ ਹੈ? ਓ ਭਾਈ ਬਸ ਕਰ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਵਰਾ ਹੁਸੈਨ, ਮਾਵਰਾ ਹੁਸੈਨ, ਚਲ ਮਾਵਰਾ ਭਾਈ। ویلکم بیک ٹو مذاق رات۔ جی ہنا جی، وہ غریب کیا ہے جی؟ آج کل ہمارے یہاں سیلفی کا رجحان اتنا بڑھ گیا ہے کہ اکثر جب ہم سیلفی لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد کون لوگ ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک نوجوان ہے جن کا تعلق برطانیہ سے ہے، اور ان کو سیلفی لینے کا اتنا زیادہ شوق ہے کہ وہ دن کی تقریباً 200 سیلفیز لے لیتے ہیں، اور جب سیلفی سیشن کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں تو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں ان کو پراپر تیار ہونے میں۔ سیلفی لینے لیے 3 گھنٹے تیاری تے لاندا ہے؟ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਿਹਰਾ ਐਸਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ। ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਦ ਕਪੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ? ਖੰਭੇ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸੇ। ਆਗਰਾ ਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵਹਾਂ ਆਤੇ ਹੈ ਵੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅਭੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਹਾਂ ਯੇ ਹੁਆ ਕਿ ਏਕ ਖਾਤੂਨ ਕੇ ਪਾਸ ਏਕ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਥਾ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਕੈਰੀਇੰਗ ਦਿਸ ਬੈਗ। ਬੰਦਰ ਨੇ ਉਨਕਾ ਬੈਗ ਛੀਨਾ ਔਰ ਉਸਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ਿਪ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸਮੇ ਸੇ 500 ਕੇ ਨੋਟ ਕਾ ਜੋ ਬੰਡਲ ਥਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਸਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਬੈਗ ਇਸ ਲਈ ਖੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਈ, ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਬੰਦਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਹਾਂ, ਮੁਝੇ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے 2020 کا، یہ دونوں خواتین تو پہلے بھی کھیل چکی ہوئی ہیں اور ان کو بہت پسند آیا تھا اور بڑا مزہ بھی آیا تھا، مگر آپ کے لیے نیا ہوگا تو آپ پہلے دیکھیے گا، اس کے بعد آپ کی باری آنے تک یو ول گیٹ این آئیڈیا۔ تو سنم سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بتائیے سنم سعید صاحبہ، ان میں سے کس خاتون کے ساتھ لی ہوئی سیلفی میں سے آپ انہی کو کراپ کر دیں گی؟ جو 3 نام آپ کے پاس ہیں وہ ہیں حریم فاروق، سنم بلوچ اور ماورا حسین۔ ماورا حسین۔ ماورا حسین کے ساتھ جو آپ سیلفی لیں گی ان میں سے آپ ماورا کو بعد میں کراپ کر دیں گی۔ ان میں سے کس کو آپ کافی پہ انوائٹ کرنا چاہیں گے اگر آپ نے کافی اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے؟ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں مکال ذوالفقار، عدیل حسین اور عثمان خالد بٹ۔ مکال ذوالفقار۔ کوئی خاص وجہ؟ میرے ہیرو اس فلم میں۔ جو ہیرو نہیں ہے وہ کافی بھی نہیں پیے گا۔ یہ بتائیے پھر میڈم کہ ان میں سے کس کے ساتھ 1 سال کے اندر اندر ایکٹنگ کرنا چاہیں گی، کس کے ساتھ 2 سال کے اندر اندر آپ ایکٹنگ کرنا چاہیں گی، اور کس کے ساتھ ایکٹنگ آپ نہ بھی کریں تو آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا؟ اوف اللہ۔ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فہد مصطفیٰ، دانش تیمور اور فیروز خان۔ تو کس کے ساتھ 1 سال کے اندر اندر کام کرنا چاہیں گے؟ فہد مصطفیٰ۔ 2 سال کے اندر اندر ایکٹنگ؟ دانش تیمور۔ کس کے ساتھ آپ ایکٹنگ نہیں کرنا چاہیں گے؟ وہ چوائسز ہی 3 ہیں تو میں کیا کروں؟ کون تھا؟ ہوگا کوئی، بٹ ابھی جس کے ساتھ پہلے سال میں کرنا، دوسرے سال میں کرنا، وہ ہو گیا۔ تیسرا جو تھا جس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی، اور ان کو اتنا انسگنیفیکنٹ لگا کہ انہوں نے اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کیا، جو بیچارے فیروز خان تھے۔ بہت ساری تالیاں سنم کے لیے۔ ایک انتہائی اسٹریٹ فارورڈ لڑکی کے بعد ایک انتہائی سہمی ہوئی ایکٹریس۔ خوبصورتی کے حساب سے آپ نے ریٹ کرنا ہے ان 5 ایکٹریسز کو۔ چینج کر لینا یہ سوال۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے۔ ان میں سے کون سی فلم بہت اچھی تھی، کون سی فلم اچھی تھی، اور کون سی فلم اچھا خوبصورت پہ آ جائے واپس؟ لکس کے حساب سے آپ نے ان ایکٹرز کو ریٹ کرنا ہے، وتھ ون بینگ دی موسٹ گڈ لکنگ۔ تو جو نام آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ہمایوں سعید، فواد خان،
شان شاہد, فہد مصطفیٰ اور محب مرزا. فرسٹ آف آل تو آپ محب کو آپشنز میں سے نکال دیں. آپ دیکھیں, آپ محب مرزا کو نمبر ون پہ رکھیں, ہم سب سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ نمبر ون پہ ہیں, ہم نے ان کو آٹومیٹکلی نمبر ون کا خطاب دے دیا. اب آپ دو سے شروع کریں. فواد خان. تین نمبر پہ کون ہے؟ شان. شان صاحب تین نمبر. چوتھے نمبر پہ سبزہ گڈ لکنگ کون ہے؟ فہد مصطفیٰ. ہمایوں سعید, آپ پانچویں نمبر پہ سبزہ گڈ لکنگ شخص لگتے ہیں. ہمارا یہ بتائیے, آپ ایک تقریب میں جاری ہیں, یو ڈرائیونگ دا کار یور سیلف, تو ان میں سے کون وہ چار ہوں گے جو آپ کے ساتھ گاڑیاں بیٹھیں گے, جن کو آپ اپنی گاڑیاں بٹھا لیں گی؟ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں صبا قمر, عائشہ خان, ماورا حسین, سروت گیلانی اور ماہرہ خان. ماورا کو کہوں گی بھائی بہن کے ساتھ آ جا, ہم جا رہے ہیں. ماورا حسین کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور وہ اکیلی لڑکی وہاں پہ کھڑی رہی. ان میں سے کس کی کال آئے تو آپ فوراً اٹھا لیں گی, کس کی کال آئے تو آپ فون نہیں اٹھائیں گی مگر میسج پہ جواب دے دیں گی, اور کس کی کال آئے تو آپ کاٹ ہی دیں گی. جو آپشنز آپ کے پاس ہیں بتائیں آپ, وہ ہیں فواد خان, ہمایوں سعید اور شان. تو کس کی کال فوراً اٹھائیں گے آپ؟ اچھا میں ہمایوں سعید کی اٹھا لوں گی. ہمایوں سعید کی کال اٹھا لیں گی ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ وہ پانچ میں سب سے خوبصورت ترین آدمی ہے. تو شان کا فون کاٹے گی, وہ فواد کو میسج کرے گی اور وہ ہمایوں کا اٹھائے گی. آنہ شیخ کا جواب ہوا کہ شان صاحب کا فون وہ کاٹ دیں گی, ہمایوں سعید صاحب کا کال تو فوراً اٹھا لیں گی, فواد خان کو میسج کریں گی. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جواب ان کو بتایا سنم سعید نے ہے. بہت ساری تالیاں آمنہ شیخ کے لیے. یہ بتائیے ان میں سے کون سی فلم آپ کو بہت اچھی لگی, کون سی اچھی لگی اور کون سی کو دیکھ کے لگا کہ او ہو اے کیو ہے. ٹھیک ہے, تو جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں رنگ ریزا, ارتھ اور نامعلوم افراد 2. تو کون سی فلم بہت اچھی لگی تھی؟ نامعلوم افراد. نامعلوم افراد 2 بہت اچھی لگی تھی آپ کو, کون سی فلم اچھی لگی تھی؟ ارتھ. اور کون سی فلم دیکھ کے بس لگا کہ اے کیو ہے میرے نال؟ ایک کچھ ہو ہی گیا نا رنگ ریزا نال. رنگ ریزا لگا نہیں آیا. رنگ ریزا دیکھ کے ان کو لگا تھا کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا. یہ بتائیے سر کہ ان میں سے کس کے ساتھ ایک سال کے اندر اندر کام کرنا چاہیں گے, کس کے ساتھ دو سال کے اندر اندر کام کرنا چاہیں گے, اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو آپ کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں صبا قمر, میں وشیات اور ثانیہ سعید جی. ایک سال کے اندر اندر کس کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے؟ یہ تو بہت ہی مشکل ہے. جنرل نالج ہمیشہ آپ کے پاس موجود ہے. جنرل نالج پہ چل, جنرل نالج پہ چلنا چاہیں گے. دان ملک نے آج انتخاب کیا جنرل نالج کا. مجھے یہ بتائیے سر کہ ہزار روپے کا جو نوٹ ہوتا ہے اس پہ کس بلڈنگ کی تصویر بنی ہوتی ہے؟ آج کل کے نوٹ سے بلڈنگ ہیں. آپ کو یہی نہیں پتا کہ آج کل کے نوٹ سے بلڈنگ ہوتی ہے؟ نیلے نوٹ پہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے. نان ملک نے بلڈنگ ہی غائب کروا دی ہے اسٹیٹ بینک کے نوٹ سے. آج تکر تو اسی جالی نوٹ چلاؤں دے رہے. وہ قائد اعظم کا ہاؤس کوئٹہ نہیں. سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں کس مغل بادشاہ کی قبر ہے؟ او بھائی بس کرنا, واپس آ جائے. ماورا حسین. ماورا حسین چلے. ماورا حسین نہیں, میرا سوال تو کچھ اور تھا. اسی پہ آنا ہے واپس. اسی پہ واپس آنا ہوتا ہے. اچھا, ایک سال میں صبا, دو سال میں مہوش اور ثانیہ کے ساتھ مجھے لگتا ہے میں قابل ہی نہیں ہوں کہ میں ان کے سامنے کام کروں. واہ واہ. دیکھیں ثانیہ جی, اب یہ کیسے, یہ لڑکے آپ خود ہی بات کر لیجیے گا جہاں پہ آپ کو یہ لڑکا ملے گا. بس یہ بتا دیں, آخری سوال ہے یار, کس کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا, کس کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس اچھا تھا, اور کس کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس بس ٹھیک ہی تھا؟ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں یار وہ ہیں سنم سعید, ماہرہ خان اور میرا سیٹھی. کس کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا؟ میرا سیٹھی. اور کس کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا تھا؟ ماہرہ خان. اور سنم سعید آپ کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس بس ٹھیک ہی تھا. بہت ساری تالیاں دان ملک کے لیے. تھینک یو سو مچ ایوری ون, بیسٹ آف لک فار یور فلم. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی فلم بہت زیادہ سپر ہٹ ہو.